अजमेर डेयरी की ओर से शनिवार को पटेल मैदान में सरस सहकार महाकुंभ आयोजित किया गया। केंद्रीय जल संसाधन एवं गंगा संरक्षण राज्य मंत्री सांवरलाल जाट के मुख्य आतिथ्य में आयोजित महाकुंभ में प्रदेश के सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक, प्रभारी मंत्री वासुदेव देवनानी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनिता बदेल सहित जिले के विधायक मौजूद रहे। महाकुंभ में जिले भर से आए हजारों की संख्या में कृषक और पशुपालकों को संबोधित करते हुए सांवरलाल जाट ने कहा कि किसान और पशुपालक विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतर उत्पादन के लिए संघर्ष करता है और ऐसे में किसानों के मुश्किल वक्त में केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी रहकर हर संभव मदद करेगी। उन्होंने दुग्ध उत्पादकों से आह्वान किया कि वे भी दूध का इस्तेमाल करने की आदत शुरू करें, जिससे उन्हें दूध के और बेहतर दाम मिल सके। वहाँ पर जो है जाकर हमको दिल्ली में सप्लाई करने की आवश्यकता होती है। ऐसे में मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि रामचंद्र जी अध्यक्ष ने पहले भी कई बार कहा है, हमारी तरफ से भी हम पूरा सहयोग करते हैं और करते रहेंगे कि हमारा दूध अगर डीएमए तो मदर डेयरी में आवश्यकता हो तो वहाँ पर क्वालिटी के आधार पर सही कीमत के ऊपर वो ले, तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को फायदा मिलेगा। आज किसानों की हालत बहुत खराब, एक बारिश और हो जाती तो हमारे जैसे लाख साहब को ही, पर एक बरसात कम होने के कारण सबको जी ऊंचो नीचो हो रही हो कि पास वो टाइम बरसात को हवा में बहुत लंबा समय है और चारा कुट्टी का भाव भी बहुत महंगा है। ऐसी स्थिति में साल भर जानवरों को पालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो मैं आप लोगों को भरोसा दिलवाना चाहता हूँ कि भारत सरकार से जो भी सहायता की आवश्यकता होगी वो करवाएंगे। राजस्थान सरकार भी आपकी है मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करके जो हो सकता है यहाँ पर भी पूरी पूरी मदद करवाएंगे, जिससे हमारे किसानों को जो है पशुपालकों को दूध जानवर पालने के अंदर किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों वाली सरकार है, उनके हित में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। आने वाले समय में राम अगर रूठ भी जाए लेकिन राज कभी नहीं रूठेगा। सरकार इस साल 50 लाख किसानों को 17,500 करोड़ रुपए का ब्याज रहित फसली ऋण वितरित कर रही है, जो प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन उस आकाश की शोभा केवल चांद से नहीं होती, उसकी शोभा सितारों से भी होती है, तारों से, लेकिन शोभा तारों में है। इसी प्रकार से शादी जब होती है, बारात, उसकी शोभा भी केवल दूल्हे से नहीं की जा सकती, उसकी शोभा भी होती है बारात में। और इसी प्रकार से अजमेर डेयरी की जो आज यहाँ पर आप उपस्थित हैं, तो इसकी भी शोभा केवल अजमेर डेयरी से या संचालक मंडल से या अध्यक्ष से नहीं हो सकती, इसकी शोभा भी सब आप हो जो समिति के सब सदस्य लोग यहाँ पर मौजूद। और जब शोभा आपसे है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी सरकार आपके हितों को, आपकी मांगों को नजरअंदाज नहीं करती। प्रभारी मंत्री देवनानी ने सहकार और सरकार को एक दूसरे का पर्याय बताते हुए कहा कि जल्दी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील में एक गिलास दूध देना शुरू किया जाएगा। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने डेयरी सहकारिता के विकास के लिए राज्य सरकार से दूध के लिए 2 रूपये समर्थन मूल्य देने की मांग रखी। इससे पहले जवाहर रंगमंच पर आयोजित अजमेर डेयरी की आम सभा में डेयरी अध्यक्ष रामचंद चौधरी की ओर से सालाना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 563 करोड़ रुपए के बजट का अनुमोदन भी किया गया। काल पड़ा हुआ काल, और इधर हमारा 2 रुपए समर्थन मूल्य बंद हो गया। जहां यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, दूध के पालन में, दूध के व्यवसाय पे वहां की सरकारें जानवर खरीदने में सब्सिडी देती है, दूध पैदा करने पर सब्सिडी देती है, दूध का प्रोसेसिंग करने, प्रोडक्ट बनाने पर सब्सिडी देती है, और विदेशों में भी निर्यात करते हैं वो देश, उस पर भी सब्सिडी देती है, और हमारे 2 रुपए थे वो भी गए हुए। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ, ये सदन हाथ खड़े करके मांग करो कि 2 रुपए हमको दे सरकार, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी 2 रुपए वाली मांग पूरी।
वास्तव में जिस प्रकार से रामचंद्र जी ने जो आज किसानों में जो दूध डेयरी के जो सभी कार्यकर्ताओं ने अपने दिलों में जो जगह बनाई है और इस डेयरी को जो राजस्थान में ऊंचाइयों पर ले जाने में आपने अजमेर जिले का जिस प्रकार से नाम स्थापित किया है उसके लिए मैं तहे दिल से आप सब किसान भाइयों को डेयरी के सभी सदस्यों को यहाँ के अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जिस प्रकार से राजस्थान और पूरे भारत में हमारे अजमेर जिले का नाम स्थापित किया है वो आप सराहनीय है। राजस्थान के सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने कहा कि सहकारिता द्वारा संचालित अपना बाजार को अब सुपरमार्केट में बदलने पर विचार किया जा रहा है। किलक ने शनिवार को पटेल मैदान में आयोजित सरस सहकार महाकुंभ के समापन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रारंभिक दौर में ग्रामीण क्षेत्र के अपना बाजारों को इससे जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि गांवों में सहकारिता की भावना ज्यादा है, ऐसे में इनके सफल होने की संभावना भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता पर आधारित ग्राम सेवा समितियों में भी पेंशन व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है। इसके तहत विभिन्न बीमा कंपनियों से चर्चा भी की जा रही है। इस योजना में ग्राम सेवा समिति आधी राशि देगी और कुछ राशि राज्य सरकार और समिति के कर्मचारियों की ओर से भुगतान किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि ग्राम सेवा समितियों से जुड़े लोगों को शुरुआत में ही कम से कम 2500-3000 रुपए की पेंशन मिले। शहरों में भी उपभोक्ता हैं जो सहकारिता से जुड़े हुए हैं, लेकिन विशेष रूप से ये जो ग्रामीण क्षेत्र के जो उपभोक्ता हैं, जो किसान हैं, वो सहकारिता से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि शहर में तो मॉल वगैरह दूसरे भी हैं, हमारा ये प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारे सुपर मार्केट बने और वहाँ पर कम कीमत में, कम से कम 10-20% कम कीमत में किसानों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण चीज़ें मिले। और मैंने एक चीज़ कहा कि अभी मैंने डेयरी के अंदर जो चीज़ कही है कि समय पर ऑडिट कराएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 13,000 से अधिक ग्राम सेवा समितियां हैं, लेकिन इनमें से लगभग 7,000 से अधिक समितियों का अंकेक्षण नहीं हुआ है, जिसके कारण इन समितियों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पाता। उन्होंने ग्राम सेवा समितियों के संचालकों से आग्रह किया है कि वे अपने खातों का समय पर अंकेक्षण करावें ताकि योजनाओं का लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि समय पर चुनाव नहीं करवाने और ऑडिट नहीं करवाने वाली संस्थाओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कि राजस्थान के अंदर 13,000 से ज़्यादा 13,226 ये आपकी डेयरी समितियां हैं और उसमें से केवल चुनाव के अंदर 5,000 से कुछ ज़्यादा ही भाग ले पाई, मतलब 7,226 के करीब जो है वो समितियां डिस्क्वालीफाई हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उसकी सख्ती से पालना की करनी चाहिए, जो भी उसके नियम है उसको पालना की जानी चाहिए और ऑडिट को, लेखा जोखों को आपको समय पर रखना चाहिए। और सहकारिता विभाग के मतलब मुखिया के नाते मैं आपको कहना चाहूँगा, हम इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं कि जो भी समितियां अगर समय पर ऑडिट नहीं कराएगी और वो लेखा जोखों में गड़बड़ी होगी तो उनसे लेन देन खत्म किया जाएगा और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।